द्वितीय सत्र लिखा हुआ है बस। और पहला चैप्टर तुम लोगों का है इतनी शक्ति हमें देना दाता, कविता से स्टार्ट है, ईश्वर से प्रार्थना की गई है। यहाँ पे जो कवि हैं ये इस कविता के द्वारा बताए हैं, उनसे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, शक्ति मांग रहे हैं, स्ट्रेंथ मांग रहे हैं। कर पाऊँ
जरूर करते हैं भगवान, तो विश्वास बना रहता है ना। लोग मानता मानते हैं ना कि ये भगवान ये कर देना तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, तो आस्था बनी रहती है कि यहाँ इस मंदिर की बड़ी महत्व है, बड़ा महत्व है। तो हम चले नेक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले नेक रास्ते पे। नेक रास्ते मतलब, नेक मतलब अच्छा, हाँ अच्छाई के रास्ते पे हमेशा चले। दुनिया में बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, कोई कुछ छीन ले रहा है, कोई मारा पीटी कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो बहुत सारी गलतियाँ बुराइयाँ भी हो रही हैं, तो वो हम में ना आए, हमारे अंदर वो सब बुरी आदतें ना पनपे। मैं हमेशा नेक रास्ते पे चलूँ, अच्छाई के रास्ते पे चलूँ, और भूल कर भी हमसे भूल ना, गलती से भी कोई हमसे मिस्टेक ना हो, गाना है ना, गलती से भी मिस्टेक ना हो, तो गलती से भी यानी कि भूल से भी कोई भूल हमसे ना हो जाए। जैसे लिख रहा हूँ स्लिप ऑफ पेन बोलते हैं ना कि लिखना है दीर्घकार, लिख दिया ह्रस्व इकार, लिख दिया आकार, ऊपर ऐसे लगाया ही नहीं, तो वो होता है स्लिप ऑफ पेन उसको बोलते हैं, यानी कि गलती से हो जाता है, गलती से गलती हो गई, वो जानबूझकर हमने नहीं किया, मुझे आ रहा है ऐसे लिखना पर ये डालना मैं भूल गई, ऐसे हो गई, इसको बोलते हैं स्लिप ऑफ पेन। ये पेन स्लिप नहीं होता है, पेन स्लिप नहीं होता है, बस इसको कहा जाता है पेन कि आ रहा है तुमको, तुमको गलती से गलती हो गई। तो भूल कर भी हमसे कभी कोई भूल ना हो जाए, मैं जान रहा हूँ कि चोरी करना गलत बात है, बट हमने ले ली चुपचाप उसकी पेन, ये चोरी हो गई है ना, मुझे पता है कि मुझे अपशब्द नहीं बोलना है, पर उसने मुझे पिंच किया तो मैंने गलत बात बोल दी उसको, तो ये गलती से गलती हो जाती है। तो ऐसा हमसे कभी भी ना हो। दूर अज्ञान के वो अंधेरे, अज्ञानता रूपी अंधकार जो हमारे अंदर निहित है, हमारे मन में, हमारे अंदर बुद्धि में जो अज्ञानता है, यानी कि जिस चीज़ की हमें ज्ञान नहीं है, जो चीज़ हम नहीं जानते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे इस शब्द का उच्चारण करना चाहिए, तो ये अज्ञानता है, अभी हम नहीं जान रहे, मैम बताएंगी तब हम जानेंगे। तो ये कोई भी किसी भी तरह की जो अज्ञानता है, तो वो हमसे ये अंधकार हमारे में जो निहित है उसे आप दूर कीजिए, और ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारा जीवन प्रकाशित कीजिए। हमारे में ज्ञान, जो हमारे में अज्ञानता है उसको अंधकार से तुलना दी गई है, अज्ञान की तुलना अंधकार से दी गई है और ज्ञान की तुलना प्रकाश से की गई है। जब हम जान जाते हैं कोई प्रश्न है नहीं आ रहा है, तो तुम अंधेरे में हो, कैसे होगा, इसका क्या आंसर होगा, अगल बगल झांक रहे पूछ रहे, पर आ गया तो हमको तो सब आ रहा है, प्रकाशित है, खुश हैं हम, तो हमारा जीवन प्रकाशित है। किसी भी विषय की जानकारी हो जाती है तो उस चीज़ से हम प्रकाशित हो जाते हैं, यानी हमें आ जाता है। तो क्या है, अंधकार से किसकी तुलना की गई है, अज्ञान की, अंधकार से अज्ञान की। जिस चीज़ की जानकारी नहीं है तो हम अंधेरे में हैं, हमें नहीं मालूम है, जैसे अंधेरा में कुछ दिखाई नहीं देता है, वैसे ही तुम्हें प्रश्न का हल नहीं आ रहा है, ज्ञान नहीं है, तो तुम अंधेरे में हो। अंधकार से अज्ञानता की तुलना दी गई है। लिख लो, नोट करो, मेन पॉइंट नोट करते रहना, हमेशा एक रंग कॉपी रखो। अब आएंगे, अब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है।
रही थी, जहाँ मैं ऐसे डाल दूँ तो समझना कि दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, हाँ ये इस पर ध्यान देना, हमेशा मैं नहीं डालूँगी। अभी जैसे मैंने ये लिख दिया, अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, हो सकता है मैं क्वेश्चन ना भी लिखूँ, तो ये ध्यान की तुलना किससे की गई है, तो आप ये पढ़े रहोगे, इम्पॉर्टेंट में ध्यान दिए रहोगे, तो इतना आप लिख सकते हो कि ज्ञान की तुलना प्रकाश से की गई है, इतना तो आप सेंटेंस बना ही सकते हो ना सिक्स में, तो ये पता रहेगा तभी। दूर अज्ञान के वो अंधेरे, जो हमारे में अज्ञानता रूपी अंधकार है हमारे जीवन में, उसे दूर करके हमारा जीवन ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे जीवन को प्रकाशित कीजिए। तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, यानी कि ज्ञान रूपी रोशनी हमें प्रदान कीजिए, ताकि हमें सब दिखने लगे, सब हमें पता चलने लगे कि कहाँ हमें कैसा व्यवहार करना है, कैसा हमें कार्य करना है, कौन सी एक्टिविटी करनी है कि मेरा कार्य सफल हो जाएगा। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। जिंदगी जो है भगवान के हाथ में है, जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में होता है, ईश्वर निश्चित करते हैं कि आपकी आयु कितनी है, कोई नहीं जानता है कल क्या होने वाला है, किस पल यमराज आ जाएंगे, तो इसलिए भले ही हमें कम जिंदगी दे, 100 वर्ष की जिंदगी ना दो, लेकिन हमें भली जिंदगी दे। भली मतलब, भला का मतलब अच्छा होता है, भला का तात्पर्य क्या है, अच्छा, हाँ, भली जिंदगी दे, हमारी जिंदगी छोटी ही देना, तुम 50, 100, 80 साल का ही देना, बट अच्छी जिंदगी, हम अच्छे से जिए, स्वस्थ रहें, अच्छा काम करें, नेक रास्ते पे चलें, ये नहीं कि 100 साल की जिंदगी लंबी उम्र दे दो, हम बिस्तर पे पड़े हैं, चोरी वगैरह कर रहे हैं, वैसी जिंदगी नहीं चाहिए। बैर होना किसी का किसी से, बैर होना मतलब बैर होना किसी का किसी से, क्या तात्पर्य लग रहा है बैर होना का मतलब, लड़ाई, दुश्मनागी, किसी से दुश्मनी होना, बैर हो जाना, झगड़ा हो जाना, लड़ाई, लड़ाई हो जाना, झगड़ा हो जाना, दुश्मनी हो जाना, उसको बैर बोलते हैं, बैर हो गया। अब इन दोनों बहनों में बैर हो गई, यानी कि ये दोनों अभी बातें नहीं कर रही हैं, हाँ, फिर हो जाता है, फिर सुलह हो जाती है, प्रेम हो जाती है, तो बैर हो जाता है, मित्रों में बैर हो जाता है, पड़ोसियों में बैर हो जाता है, तो वो झगड़ा हो जाता है, कभी बातें हो जाती है, नोकझोंक हो जाती है, लोग बात करना बंद कर देते हैं। तो बैर होना किसी का किसी से, हमें किसी से भी दुश्मनी ना हो, हमेशा मित्रवत हम लोग रहें, हमेशा मित्र के समान व्यवहार करें। भावना मन में बदले की होना, अब ऐसा नहीं कि उसने मेरी पेंसिल ले ली तो मैं भी लूँगा, तो झगड़ा बढ़ता जाएगा ना, इसलिए अगर 5th में शायद तुम लोगों ने पढ़ा या 6th में नन्ही वाले कहानी, अगर अगर उसने अपना स्वभाव छोड़ दे की नन्ही और उसके जैसा करने लग गई, उसने डंक मारा वो भी डंक मार दी, तो कोई फायदा नहीं, उसने अपना नेक स्वभाव नहीं छोड़ा, तो लास्ट में बिच्छू को रियलाइज हुआ, उसे समझ आया कि नहीं वो नन्ही अच्छी है, और हम उसके स्वभाव में भी बदलाव आया, जो बुरे व्यक्ति हैं वो भी बदल जाते हैं जब आप अच्छाई के रास्ते पर चलोगे। कहते हैं ना कि संगति का असर अच्छा होता है, सत्संगति किम न करोति पुंसाम, यानी कि सत्संगति, अच्छी संगति पुरुषों का, व्यक्तियों का क्या नहीं कर सकती है, अच्छा करती है, हमेशा अच्छी संगति रखनी चाहिए, तो उससे हमें सीख मिलती है। बुरे लोगों के बीच में उठोगे बैठोगे तो थोड़े दिन लगता है कि ये बुरा है, मैं नहीं हूँ बुरा, बट वो आ जाता है धीरे धीरे अपने में, वही वर्ड मुँह से निकलेगा बाद में, वैसी ही बातें होने लगती है। आप देखना कभी दोस्तों के बीच रह के, अगर दो कोई फ्रेंड है साथ रह रही है, तो तुम मार्क करना कि ये जिस लहजे में बोल रही है वो भी उसी लहजे में बोल रही है, कुछ दिन साथ रहने पे वो अपने आप आ जाता है, खुद ब खुद वही वर्ड निकलेगा, वही लहजा निकलेगा, वही टोन आ जाएगा। तो ऐसे सत्संगति,
बैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना, किसी से हमारी दुश्मन आदि ना हो। हे ईश्वर, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है और बदले की भावना हम में ना हो। ये नहीं कि हमें उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी बुरा, मैं अच्छा हूँ, मैं भलाई करूँगा, उसे समझाऊँगा, ना भी समझाया उसे खुद ब खुद रियलाइज होगा और वो एक दिन छोड़ देगा, वो भी अच्छा बन जाएगा। वर्ड कौन कौन सा हार्ड है वो लिखते जाना, या मैं एक बार लिखवा भी दूंगी, नीचे लिखा भी है बुक में थोड़े वर्ड। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हमें ये नहीं सोचने की आवश्यकता है कि हमें ईश्वर ने क्या दिया, हमें क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज दे दी, हमें क्यों नहीं बड़ा बंगला दे दिया, छोटा घर क्यों दिया। तो हमें सोचना है कि हमने अच्छाई क्या की है। मैं कभी ईश्वर के सामने हाथ जोड़ा हूँ, मैं कभी गया मंदिर, मैं कभी फूल अर्पित किया भगवान को, कभी किसी की भलाई की, किसी भूखे को पानी पिलाया, कभी किसी की मदद की। तो ये हमें सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। ईश्वर सब देख रहे हैं, ईश्वर के पास सारा कैलकुलेशन है, हमें केवल प्रार्थना करना है। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हमें भगवान ने क्या दिया। हमें मम्मी बड़े हो जाते हैं, बच्चे जब डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं तो बाद में बोलते हैं मम्मी पापा ने हमें क्या दिया। वो नहीं, आप देखो कि आपने क्या किया, आप अच्छा ही कर रहे हो ना। ये हमें सोचना है, अपना देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। फूल खुशियों के बातें सभी को, सभी को खुशियों खुशी प्रदान हमसे हो, हम ऐसे कर्म करें कि लोगों को खुशी दे सकें। अभी इसकी पेंसिल गिर गई तो उसके बोलने से पहले मैं उठा के दे दूँ तो उसे अच्छा लगेगा ना, कि अरे जरूर अच्छा लगेगा कि मैं जब तक छुपता तब तक तो ये दे दिया, उसे खुद पर खुद निकल जाता है थैंक यू। और अगर कोई देख के हमें मुस्कुरा रहा है तो हमें भी मुस्कान आ जाती है, अच्छा लगता है। अगर मुँह बनाए हुए ऐसे मुँह देख करके कर दिया तो कितना बुरा लगता है कि अरे वो तो मेरी तरफ स्माइल भी नहीं किया, वो तो ऐसे मुँह बनाए रहता है। तो यही खुशियाँ हम बांटे, फूल खुशियों के बांटे सभी को। ये नहीं है कि एक फ्लावर तोड़ लिया खुशी वाला फ्लावर, ये देख के वो मतलब नहीं है। फूल खुशियों के बांटे सभी को, यानी हम ऐसे कर्म करें कि सभी को प्रसन्नता मिले, सभी को खुशी मिले, कुछ भी खुशी मिले किसी भी तरह की। सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, सभी का जीवन। मधुबन का मतलब क्या, मधुबन बोलते हैं बगीचा को, मधुबन। अभी आगे लेखक ने, कवि ने फूल वर्ड यूज किया ना, कविता में ऐसे ही होता है, मीनिंग लगाया जाता है। तो फूल खुशियों के बांटे, खुशी का फूल किसी ने देखा है, आपने गुलाब का फूल देखा है, गेंदा का फूल देखा है, खुशी का फूल तो कभी नहीं है। तो इसका मतलब लगाया जाता है कविता में कि हम ऐसे कर्म करें कि सबके जीवन में खुशहाली हो, सभी को प्रसन्नता मिले हमारे कर्मों से, और सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, सबका जीवन बगीचा बन जाए। तो कैसे बगीचा बन जाए, यानी बगीचा में क्या होता है, सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं, सुगंधित हैं, रंग बिरंगे हैं और हरियाली है, तो जाते ही बगीचे में प्रसन्नता का एहसास होता है, आराम मिलता है, सुकून मिलता है। तो वही मेरे जीवन में भी सुकून आए, खुशियाँ आए, खुशियाँ बांटेंगे तो जीवन में खुशियाँ आएंगी। आपको कोई खुशी दे रहा है, नए वस्त्र दे दिया ला के, नए बैग दे दिया आपका कुछ भी, तो आप वो खुशी आपके जीवन में खुशी आएगी, आप हमेशा प्रसन्न रहोगे, है वही मतलब है यहाँ पे। तो दिस पैराग्राफ इज इम्पोर्टेंट, आ सकता है कि मीनिंग बताइए, उसको पेंसिल से टिक लगाते रहो जो मैं बोलती हूँ। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। करुणा का मतलब, करुणा किसे बोलते हैं, भगवान से बोलते हैं करुणा का जल बहा दे। करुणा में खुशियों का, करुणा का मीन्स दया। अपनी करुणा का जल तू बहा के, अब यहाँ पे करुणा का कोई जल नहीं होता है, जैसे घड़ा का जल, नल का जल, फ्रिज का जल, तो ये करुणा का कोई जल नहीं होता है।
भी जल गया जो है आपके हृदय में, वो जल जैसे कहीं पे डालोगे तो वो प्रवाहित हो जाएगा, रुकेगा नहीं, है ना, वो आगे बढ़ जाता है लिक्विड चीज। तो उसी तरह आप करुणा जो है प्रवाहित कीजिए, दया हम पे डालिए, ये ईश्वर दया कर मेरे ऊपर बोलते हैं ना, तो दया बारिश करते, दया बरसाते हैं प्रभु। तो कर दे पावन हर एक मन का कोना। पावन मीन्स, पावन का क्या मतलब है? पवित्र। वेरी गुड, पावन मीन्स पवित्र। कर दे पावन हर एक मन का कोना। जब आप करुणा दया बहाओगे, दया जब ईश्वर करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा सब अच्छा होगा। दया कर रहे हैं, किसने मांगा हमसे, उसको इस चीज़ की जरूरत है, प्रदान किया, एग्जाम में फर्स्ट आना है, फर्स्ट करवा दिए, करुणा दिए, तो आपका जो है हर एक व्यक्ति का मन जो है पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाता है, यानी ईश्वर के प्रति आस्था और जगती है। हम अंधेरे में हैं, रोशनी दे। हम अंधेरे में हैं यानी खूब अंधेरा, दरवाजा और वाजा बंद करके बैठे हुए, ये बात नहीं। हम अंधेरे में हैं यानी अज्ञानता में हैं, हमें ज्ञान नहीं है, अभी बताया ना अंधकार की। यस, वेरी ट्रू, हमें किसी चीज़ की समझ नहीं है, अंधकार है। अभी मोबाइल कैसे चलाते हैं मुझे नहीं मालूम है, तो ये अंधकार है मेरे में। अभी जब जान जाएंगे तो हम प्रकाशित हो जाएंगे ज्ञान रूपी प्रकाश से। हाँ, कोई भी चीज़ जो तुमको नहीं आ रहा है तो तुम अंधेरे में हो, ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो तुम अंधेरे में हो, आ गया तो तुम्हें रोशनी आ गई, वो तुम्हें आ गया हल करना। हम अंधेरे में हैं, रोशनी दे, हमें प्रकाशित कर। दे खुद को ही दुश्मनी से, हमें ज्ञान नहीं है कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे मित्रवत रहना चाहिए, तो हम हो न दे खुद को ही दुश्मनी से। ऐसा नहीं कि हम गाली गलौज करें, झगड़ा करें, मार पीट करें और खुद ही को खो दें, अपने सगे संबंधी को खो दें या खुद को ही हम विलीन हो जाएं, है ना। मार काट में हो सकता है तुम्हारी भी मृत्यु हो सकती है, सामने वाले की भी हो सकती है, दो पक्ष होते हैं ना, तो तुम चलोगे कि मैं उसको मार दूंगा, ऐसा नहीं है, हो सकता है वो भी कोई तुमको मार दे। तो ऐसा कि हमें ज्ञान दे, रोशनी दे, और ऐसा नहीं कि मैं ऐसा व्यवहार करूं कि खुद को ही मैं खो दूं, जो भी मुझे आता है ज्ञान है वो भी मेरा खत्म हो जाए, इसे और अधिक उजागर कर। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। जो कर्म अगर हमने खराब काम किया है तो हमें सजा दो, मैं तैयार हूँ ईश्वर, ईश्वर के सामने हमेशा सरेंडर कर दिया जाता है, तब ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान अगर हमने कुछ गलती की है तो आप हमें सजा दे सकते हैं, बट मौत भी हो तो सहले खुशी से। अगर हमने इतनी ज़्यादा गलती की है, अगर आप हमें मौत दे सकने वाले हो तो ठीक है, मैं खुशी से सह लूँगा। पर क्या है, पर क्यों लगा? पर ये प्रार्थना की जा रही है कि ऐसे ना, ऐसा ना हो, ये ना मौत वाली बात आए ना हमें सजा मिले, हम हमेशा नेक रास्ते पे चले। पहले बोला है ना, हम हमेशा नेक रास्ते पे चले, हम हमेशा मित्रवत सबसे व्यवहार करें, कभी भी दुश्मनागी वैर भाव ना हो किसी में। कल जो गुजरा है फिर से ना गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। जो गुजरना मतलब बीत जाना, बीत गया जो गुजरा, कल जो गुजरा है यानी जो बातें बीत गई, अगर कुछ बुराई है, कुछ गलती हमसे हुई है, वो बीत गई तो वो फिर से हमें दोहराए, मतलब मैं ना दोहराऊँ कोई भी गलती अगर हमसे हो गई है तो मैं ना दोहराऊँ। आने वाला वो कल ऐसा होना, जो भी कल मेरा आने वाला है वो प्रसन्नताजनक हो, अच्छा हो, वो फिर बुराई भरा ना हो, गलती ना हो।